हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो रहेगा हमारा रेलवे ग्रुप डी CBT2 होना लगभग तय और रेलवे ALP CBT2 रिजल्ट के बारे में, और रेलवे ALP CBT2 पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी भी बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है, वो भी हम आपके इस वीडियो में दूर करेंगे। और कट ऑफ क्या रह सकती है ALP CBT2 की, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जो अभी नई वैकेंसी निकली है, या फिर SSC CGL एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आपके लिए एक स्टडी प्लान है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप इसके लिए फ्रेंड्स अनअकैडमी प्लस से आज ही जुड़ जाइएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और रेफरल कोड अगर आप डालते हैं MJOGI88 जब पेमेंट करते समय, तो आपको जो है ये कोर्स जो है 800-900 रुपये वाला 720 रुपये में पड़ जाएगा। आपको जो है देश के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको कैसे करना है। आपको शुरू में नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर आना है, या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर प्लस वाले टैब पर आ जाना है। उसके बाद आपके पास ये आएगा, इसके बाद यहाँ से आपको जो है अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है। मान के चलो आपने रेलवे एग्जाम सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको 800 रुपये पर मंथ वाला सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर रेफरल कोड की जगह आपको डाल देना है AMITJOGI88 ये वाला रेफरल कोड, और अप्लाई कर देना। आपकी 800 रुपये वाली फीस 720 रुपये हो जाएगी, और आप पेमेंट कर दीजिएगा। इसके ऊपर फ्रेंड्स आपको अभिनय शर्मा मैथ्स पढ़ाएंगे, और आपको रीजनिंग के डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, और ऐसे ही फ्रेंड्स आपको जनरल अवेयरनेस के डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, और ऐसे ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के भी आकर मिल जाएंगे आपको, अगर आप SSC CGL वाला लेते हैं तो। फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के इच्छुक हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो है आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आने वाला है अनअकैडमी प्लस, अभी नया नया लॉन्च हुआ है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है रेलवे ग्रुप डी CBT2 होना लगभग तय हो चुका है। फ्रेंड्स रेलवे जो है सोच रहा है CBT2 करवाने के लिए, और क्योंकि रेलवे डी ग्रुप जो CBT1 का रिजल्ट आया था उसके अंदर जो है बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, और रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ के साथ आया है ऐसा बताया जा रहा है। किसी के 140 नंबर आए हैं, जो रेलवे ने बोला था कि 120 प्लस नंबर किसी के नहीं है, लेकिन अभी मैंने कल ही आपको लाइव प्रूफ दिखाया वीडियो के अंदर कि एक बच्चे के 140 से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो फ्रेंड्स रेलवे CBT2 के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जो अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जो आपका CBT2 हो सकता है, और जल्द ही इसकी डेट आ सकती है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है प्रूफ के साथ, वो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रेलवे ALP CBT2 की रिजल्ट की। फ्रेंड्स तो रेलवे ALP CBT2 का रिजल्ट जो है अभी 20 मार्च से पहले आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जैसा कि सूत्रों से पता चला है। और जनसत्ता जो न्यूज़ है उसने भी जो है नोटिफिकेशन जारी की थी कि आपका रिजल्ट जो है वो 20 मार्च से पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बोला तो उन्होंने 17 या 18 मार्च को, लेकिन फ्रेंड्स 2 या 3 दिन तो एक्स्ट्रा लगा के चलिएगा। 20 मार्च से पहले आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए CBT2 का। उसके 10 या 15 दिनों के बाद जो आपकी साइको का जो टेस्ट होना है उसकी डेट आ जाएगी, मतलब 10 या 15 दिनों के बाद आपका साइको का टेस्ट होगा, तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस जारी रखिएगा। और फ्रेंड्स पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। कल भी एक मैंने देखा यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू ये बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका पार्ट बी में नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी मत डरिएगा, पार्ट बी के अंदर नॉर्मलाइजेशन होना तय है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम पेपर हुआ था और अलग अलग ट्रेड के एग्जाम थे। किसी का पेपर बिल्कुल ईजी आया था तो किसी का बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। तो फ्रेंड्स पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल तय है, और इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो इसके लिए बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ भी है आपकी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स कट ऑफ की अगर बात की जाए तो ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कट ऑफ मैं पहले बता देता हूँ आपको, ALP जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसके अंदर 8 गुना बच्चे लेने हैं, क्योंकि साइको टेस्ट अभी होना बाकी है, तो ALP की तो कम ही जाने वाली है, ये फ्रेंड्स आप सभी भी जानते हैं। और बात ITI वालों की और PCM वालों की, सबसे बड़ी बात तो ये है कि PCM वाले बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमारी कट ऑफ क्या पता 100 से ऊपर ना चले जाए, क्योंकि जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया है उसमें ऐसा कपला हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में तो जो है गड़बड़ हुई है ये आप सभी जानते हैं, और रेलवे ग्रुप डी ने भी अभी मान लिया है CBT2 करवाने की वो सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि 100 से आपके ऊपर जाएगी, और ना ही उसमें नॉर्मलाइजेशन इतनी गड़बड़ तरीके से होगा, इतने घटिया तरीके से होगा कि आपका जो है रिजल्ट इस तरह से आए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रिजल्ट के जो आपका कट ऑफ रहने वाली है ALP वालों की। ALP की फ्रेंड्स मैं आपको बता के चलूँ 50
या 52, अगर आपके बिना नॉर्मलाइजेशन के इतने नंबर बन रहे हैं ना 50 या 52, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है CBT3 के लिए। ये फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ मैं अनरिजर्व कैटेगरी की, ना कि और कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी की बताऊँगा, बाकी का आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा 2 से 3 नंबर घटा करके। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ITI वालों की, ITI वालों की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ITI वालों की कट ऑफ भी इसी के लगभग रहने वाले, क्योंकि उनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी भी 53 से 55 के बीच रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी की। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जाएगी फ्रेंड्स, और ये बिना नॉर्मलाइजेशन की मैं बता रहा हूँ कट ऑफ। और मैंने एक सर्वे भी कर रखा है फ्रेंड्स 17,176 बच्चों का, वो भी आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अब जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो है पीसीएम वालों की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो पीसीएम वालों की कट ऑफ फ्रेंड्स मैं बिना नॉर्मलाइजेशन के बताऊं तो आपकी रह सकती है 65 से 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में बिना नॉर्मलाइजेशन के रह सकती है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही 75 तक कट ऑफ आपकी जा सकती है फ्रेंड्स। अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ मैंने बताई है ये, और अगर आपकी शिफ्ट में कोई पेपर हार्ड था तो आपको जो है फ़ायदा होने वाला है 10 से 15 नंबरों का। और उसके बाद जो आपने ऑब्जेक्शन में डाले होंगे उसमें भी आपकी गड़बड़ रही होगी, तो उसमें भी आपको बोनस अंक मिलने तय है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर करके हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो है पल पल की रेलवे की अपडेट देते रहते हैं। और फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो अन अकेडमी प्लस पर जरूर आइएगा, या आपको पता नहीं है, आपको विश्वास नहीं है तो एक बार अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अन अकेडमी प्लस जो है अभी नया लॉन्च हुआ है और अभी जो है ये हर जगह आने वाला है। और अन अकेडमी पहले IAS UPSC की कोचिंग देता था, लेकिन अभी जो है ये रेलवे और SSC CGL की कोचिंग भी देने लगा है। अन अकेडमी फ्रेंड्स एक बहुत ही ट्रस्टेबल और अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।